हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस एस कॉन्वेंट स्कूल यूट्यूब चैनल। इन अवर लास्ट वीडियो वी डिड क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 13.3। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम बात कर चुके थे कि लेटरल सर्फेस एरिया कैसे निकालते हैं और कर्व सर्फेस एरिया कैसे निकालते हैं। किसका कर्व सर्फेस एरिया और किसके लेटरल सर्फेस एरिया की बात की थी हमने, कौन के लेटरल सर्फेस एरिया की बात की थी, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसका, कर्व सर्फेस एरिया का पाई आर एल और टोटल सर्फेस एरिया का कितना होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, वॉल्यूम की अभी हम बात नहीं कर रहे थे, फिर भी मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको बताया था कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो 1/3 ऑफ सिलेंडर का होता है और सिलेंडर के वॉल्यूम की हम पहले बात कर चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कौन का जो आपके पास वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपने, 4 हो चुके थे अपने। क्वेश्चन नंबर 5 से देखो आपके पास क्या गिवन है, व्हाट लेंथ ऑफ तरपालिन 3 मीटर वाइड। देखो एक तरपाल है, ऐसा कोई तरपाल है, यहां पर लिख लेते हैं आंसर नंबर 5, एक ऐसा कोई तरपाल है, ठीक है, उसकी लेंथ आपसे पूछी है कितनी होगी, विड्थ आपको दे रखी है 3 मीटर वाइड, ठीक है। इससे उसने क्या किया है, विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कैनोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। देखो अगर मैं सिंपल सी बात करूं आपसे कि ये आपके पास, जैसे मान लो ये आपके पास मान लो कोई शीट है ऐसे, ठीक है, अब आपकी इसकी लेंथ और ब्रेथ है, इससे आपको कोन बनाना है, तो इससे आप जो कोन था वो बना सकते हो, ऐसे जो कोन था वो इससे बना सकते हो ना, ऐसे करके ये जो कोन है ये लो हमने इससे ऐसे हमने क्या कर दिया, कोन बना दिया यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या बन जाएगा ये कोन, कोन बना सकते हो ना। तो ये आपके पास लेंथ और ब्रेथ है आपके पास गिवन है और आपको बोला है कि इसको फोल्ड करके इससे हमने क्या बनाना है, ये जो देखो आपके पास अगर कोई भी टेंट है, ये आपके पास जैसे मान लो ये टेंट है, तो ये आपको क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है कि इसको फोल्ड करके ये टेंट बनाना है, हमें आपसे पूछ रहे हैं कि हमको विड्थ दे रखी है, इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और हमको जो ये टेंट बनाना है उसकी आपको क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है, ठीक है, हाइट आपको दे रखी है 8 मीटर, हाइट आपको क्या दे रखी है इसकी 8 मीटर, ठीक है, और क्या बोल रहा है, एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर, ये रेडियस दे रखी है आपको 6 मीटर, मतलब इसकी हाइट दे रखी है 8 मीटर, रेडियस दे रखी है 6 मीटर, और आपसे पूछे कि इस जो एक आपके पास तरपाल है, उस जो तिरपाल है उससे बनानी है हमें ये, ठीक है, तो अगर इसको फोल्ड करूंगा तो ये जो आएगा साइड में ये इसका क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ही तो आएगा, और कर्व सरफेस एरिया कितना इसका वो निकाल लेते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इसका, ये जो कर्व सरफेस एरिया वो कितना होगा पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 6, एल की वैल्यू, एल देखो स्लेंट हाइट है, आपको एच दे रखा है, ये दे रखा है, यहां से आप ये स्लेंट हाइट निकाल सकते हो, स्लेंट हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच का स्क्वायर कितना है आपका, एच स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, आर की वैल्यू 36, ये कितना आ गया एल स्क्वायर, तो यहां पर जो एल स्क्वायर जो आया आपका कितना आ गया 100, एल की वैल्यू कितनी आ गई 10, एल की वैल्यू कितनी आ गई 10, पुट कर दिया आपने यहां पे, ये आपका क्या आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या ये कर्व्ड सरफेस जो एरिया है वही किसके इक्वल होगा, इस एरिया के इक्वल होगा, तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, चलो इसको सोल्व भी कर लेते हैं, कितना आ रहा है ये 22/7, 3.14 होता है, तो 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, पॉइंट हटाया कितना आ गया 00, 10 से 10 कैंसिल, 314 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 10, 6 4 = 24, 4 2 कैरी, 6 1 = 6 और 2 8, 6 3 = 18, 188.4 meter square। इतना हमको क्या चाहिए, तरपाल चाहिए, इतना एरिया का हमको तरपाल चाहिए, इतना एरिया चाहिए ना हमको तरपाल के लिए, इसका एरिया क्या है, एरिया कितना है इसका, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमको हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया 3L इज इक्वल्स टू 188.4 meter square, तो कितना आ गया लेंथ इज इक्वल्स टू 188.4 अपॉन में 3 मीटर, कितना हो गया 3 6 = 18, 3 2 = 6 2, 3 8 = 24, 62.8 meter हमारे पास क्या आ गई लेंथ आ गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है वो, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इन अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है 20 सेंटीमीटर हमारा क्या होता है स्टिचिंग के अंदर और उसमें वेस्ट हो जाता है,
तो वो भी हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर ना वो ऐड करना पड़ेगा। तो देखो एक्स्ट्रा कितना था हमारे पास, जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है वो 20 सेंटीमीटर बोल दो या 0.20 मीटर बोल दो, वो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमारी जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 62.8 मीटर प्लस 0.20 मीटर, टोटल कितना आ जाएगा 63.00 मीटर। क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। देखो क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास टेंट है, देखो टेंट तो मुझसे ऐसा ही बनेगा, ये आपको टेंट बना के दिखाते हैं पंजा। देखो ऐसा ही कुछ टेंट बन रहा है मुझसे, तो ये देखो ये ऐसे टेंट बना रहे हैं, ठीक है। किससे बना रहे हैं ये हम, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये देखो रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट है ना, इससे आपके पास क्या बन रहा है, इस रेक्टेंगुलर शीट से आपके पास क्या बन रहा है, ये टेंट बन रहा है, ठीक है। तो जो इसका एरिया होगा, ये क्राउड सरफेस एरिया है, ये जो इसका एरिया होगा वो इस शीट का एरिया, ये जो टोटल एरिया उसके इक्वल होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया, इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, दोनों को इक्वल कर दिया, लेंथ आ गई 62.8 मीटर। बट वो क्या बोल रहा है कि इसको जो स्टिचिंग के लिए जो एक्स्ट्रा हमको चाहिए वो कितना चाहिए, 0.20 मीटर चाहिए, ऐड कर दिया, रिक्वायर्ड जो लेंथ है हमारे पास वो आ जाएगी। बात समझ में आई, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, फिर देखो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इसके अंदर। जल्दी करो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया, कर दे रफ, कर लिया नोट, ओके। चल देखो नेक्स्ट, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपके पास क्या बोल रहा है वो। द स्लैंट हाइट एंड बेस ऑफ ए कैनोनिकल टॉम्ब आर 25 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले आया वो पहले, पहले क्या बोल रहा है स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट, और क्या बोल रहा है द स्लैंट हाइट एंड द बेस ऑफ डायमीटर, बेस डायमीटर एंड बेस डायमीटर, डायमीटर मतलब डी दिया हुआ है, और वो कितने हैं आपके पास 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इन कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया पर क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है, क्या करना है, व्हाइट वॉशिंग करनी है, कहां पर, कर्व्ड सरफेस एरिया पर, और रेट दे रखी है आपको एट द रेट 210 रुपीज पर 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर, ये आपको कॉस्ट दे रखी है। तो आपसे को सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के बाद जितना भी आएगा उसको हम यहां से फाइंड आउट करेंगे, मतलब फर्स्ट जो हमारा मोटिव है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन या फिर टॉम्ब कितना आएगा, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस बताओ, डायमीटर 14 है, तो 14 का जब हाफ करोगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, रेडियस आ जाएगी, रेडियस आ गई 7 मीटर। स्लैंट हाइट एल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 22, 7 से 7 कैंसिल, 25 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 25 टू 50 0 5 कैरी, 25 टू 50 और 5 कितना हो गया 55 मीटर स्क्वायर, ये आके आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसको लाइन को समझो क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है 100 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, 100 मीटर स्क्वायर का जो चार्ज लग रहा है वो लग रहा है 210 रुपीज, हमको कितने का निकाल रहा है 550 का निकाल रहा है। तो यूनिटरी मेथड से 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 210/100 रुपीज, 1 मीटर स्क्वायर की आ गई, हमको किसकी चाहिए 550 मीटर स्क्वायर की, तो 550 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 210/100 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 550 से, किससे कर देंगे 5, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इतनी बात समझ में आई। चलो मल्टीप्लाई करो, 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया 105 में 5 10 क्या आ गया, कैरी, 25 105 और 10 कितना आ गया 115
रुपीज, इतना हमारी, इतनी हमारी जो क्या आएगी वो कॉस्ट आएगी। सिंपल सी बात है, जो ये बोल रहा होता है ना उसको समझना होता है। 100 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा है, 210 रुपीज। कितना आ रहा है, 210 रुपीज। तो यहां से 1 मीटर स्क्वायर का हमने फाइंड आउट कर लिया। और किसका पूछा है, 550 का पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल बात समझ में आई ना, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, रफ कर दे इसे, कर दे रफ। ओके, देख चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोल रहा है। ए जोकर्स कैप, जोकर की जो कैप होती है वो कैसी, कौन की शेप में होती है, ठीक है। ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। चलो बता भी दिया उसने कि राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में, ठीक है। आगे वो बोल रहा है बेस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ओके, बेस ऑफ रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24, हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 such cap, 10 cap बनानी है। ओके चलो ठीक है, 10 caps बनाने हैं, बना देंगे। तो पहले 1 cap का जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लें, उसको क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 cap आ जाएगी। तो 1 cap का जो एरिया होगा वो कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ना। 1 cap बनानी है, देखो ये देखो ऐसे कैप है, ये कैप बनानी है, 1 cap बनानी है। देखो बनानी हमें 10 है मुझे पता है, पहले 1 की बात करता हूं मैं, जितना भी एरिया आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। बात समझ में आ रही है ना, पहले 1 cap का एरिया बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल तो नहीं निकलेगा ना। अगर टोटल निकाल लेंगे तो फिर कैप पहनेंगे कैसे, वो तो बंद हो जाएगा नीचे से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा हमारे पास, पाई आर एल। चलो पाई आर एल हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या हमारे पास पाई गिवन है, यस सर, 22/7। और आर की वैल्यू गिवन है, यस सर, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। क्या हमारे पास लेंथ, सॉरी स्लैंट हाइट वो गिवन है, नहीं सर, स्लैंट हाइट तो ये है हमारे पास, ये तो गिवन ही नहीं है। तो यहां से देखो फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो आर गिवन है, एच गिवन है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 6 15 5 1 कैरी 7 और 4 11 और 1 12 टू 1 कैरी 5 4 1 6। तो एल कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया एल, 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर पुट कर देता हूं 25 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 to the 50 और 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आया ये, एरिया ऑफ 1 cap। किसका निकालना है, 10 cap का निकालना है ना, तो 10 कैप का कितना आ जाएगा, 1 cap को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, किसका आ जाएगा, 10 कैप का एरिया आ जाएगा। बात समझ में आई, तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया तो जल्दी करो, जल्दी से कर लो। ओके, कर दे रफ, कर दे, चल करना ही पड़ेगा। देख देखो क्या आ रहा है, देखो क्या हो गया आपके पास, आंसर नंबर 8, ठीक है। ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। जो रोड है यहाँ पे, इस रोड के रिमेनिंग पार्ट को बैरिकेड्स लगा के रोक रहे हैं। और बैरिकेड्स आपने देखे हैं सड़क के ऊपर जो शेप होती है उनकी, ऐसी शेप होती है, ऐसे सर्कुलर शेप के होते हैं ना, येलो येलो कलर के होते हैं बैरिकेड्स, उनको लगा के वो रोकना चाहते हैं वो, ठीक है। बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स, उनको कितने होलो कॉन्स चाहिए, 50 होलो कॉन्स चाहिए, कितने चाहिए, 50 होलो कॉन्स, 50 होलो कॉन्स उनको क्या चाहिए, उसको रोकने के लिए
चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है। 50 होलोकॉन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ईच कोन हैज ए बेस ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ये लो, एक कोन की बात कर रहा हूं, एक कोन का जो आपके पास बेस ऑफ डायमीटर है, सॉरी ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर, ये डायमीटर की बात कर रहा है, इसका कितना है 20 सेंटीमीटर है। ये लो डायमीटर आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 1 मीटर, हाइट आपके पास इसकी दे दी उसने 1 मीटर, हाइट दे दी इसने 1 मीटर, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लूं 0.20 मीटर। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है, डायमीटर दे दिया, हाइट दे दी। फिर वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या बोल दिया, ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड। आउटर साइड को हमें क्या करना है, पेंट करना है इसको, क्या करना है, पेंट करना है। इतनी बात समझ में आ रही है। इफ आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर, कॉस्ट आपके पास गिवन है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल दिस कोन्स, तो आपसे पूछा है कि इसको पेंटिंग करने की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, आपको एक कोन दिया हुआ है, तो आप क्या करो, इस एक कोन का कहां पर पेंटिंग करवानी है, कर्व सरफेस एरिया पर पेंटिंग करवानी है, तो आप क्या निकालोगे, एक कोन का क्या निकालोगे, वन कोन का क्या निकालोगे कर्व सरफेस एरिया, और वो कितना होता है, पाई आर एल। सर पाई की वैल्यू गिवन है हमें 22/7, रेडियस जो है हमारे पास वो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगी, रेडियस 0.20 है ना, तो इसका जो हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, रेडियस आ जाएगी, तो रेडियस भी है, और एल हमारे पास क्या, स्लेंट हाइट। देखो आपको रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, तो क्या स्लेंट हाइट फाइंड आउट कर लोगे, यस सर, स्लेंट हाइट हम यहां से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेडियस भी है आपके पास, हाइट भी है, स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल इज इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर पुट करोगे तो किसका एरिया आ जाएगा, वन कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कर रखे हमने भी, किए थे ना, वन का आ जाएगा, आपको कितने पर पेंटिंग करवानी है, 50 पर करवानी है, तो क्या करोगे, 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 50 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये बात समझ में आई, ये आपका जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में, किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में। वन मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है, 12 रुपीज, तो इसका चार्ज कितना आएगा, जितनी भी यहां पर डिजिट आएगी उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, 12 से मल्टीप्लाई, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से पहले वीडियो को पॉज करो और फिर क्वेश्चन को आप खुद से एक बार क्या करो, ट्राई करो, फिर मैं देखो आपको करवाता हूं, जल्दी करो, पहले खुद से ट्राई करो इसको, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, देख लो इधर, यहां पर ये डायमीटर जो है, ये आपको डायमीटर आपको कितना गिवन है, 40 गिवन है, सॉरी डायमीटर आपको कितना गिवन है, यहाँ पे 40 गिवन है, ठीक है, डायमीटर आपको कितना गिवन है, 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 0.40 आ जाएगा, और जो इसकी रेडियस है यहाँ पर, इसका हाफ कर दो, रेडियस कितनी आ जाएगी, 0.20 मीटर आ जाएगी। अब यहाँ से सॉल्व कर लेना है, अब यहाँ से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो जल्दी पहले इतना करो फिर मैं करता हूँ, जल्दी से पहले आप ट्राई करो, आई होप कि आपने कर लिया होगा। चलो मैं ट्राई करूँ, अब मैं करूँ, चलो मैच कर लेना आप एक बार, कर लिया आपने, चल देखो अब, चलो रफ कर दूं इसको, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करो, इसकी स्लैंट हाइट फाइंड आउट करो, क्या करो, इसकी स्लैंट हाइट एल फाइंड आउट करो। तो देखो आपने एल फाइंड आउट किया, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर 1 स्क्वायर, आर का स्क्वायर 0.20 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.20 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 2 4, तो कितना हो गया 0.04। इतनी बात समझ में आई, तो यहां पर देखो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.04, एल की वैल्यू आ गई 1.04। अब आप बोलोगे सर इसका रूट कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो ऐसे कर लो, 1.04 तो ना पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या आ गया 100, तो कितना हो गया 104 अपॉन में 100, तो L देखो 100 का तो रूट कितना आ गया नीचे 10, 104 को करेंगे तो वो 10.2 के अप्रोक्सीमेट आएगा, 10.2
टू के अप्रोक्सीमेट आएगा, ये किस में आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा ये मीटर में। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब हमारे पास एल की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, और एच की वैल्यू भी है। हम निकाल लेते हैं वन कोन का कर्व सरफेस एरिया। वन का कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, वन कोन का कर्व सरफेस कितना आएगा, पाई आर एल। देखो पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14। रेडियस आपके पास गिवन है 0.20, ठीक है। स्लैंट हाइट आपके पास गिवन है 10.2/10। इतनी 10.2/10, इतनी बात समझ में आ गई। चलो देखो यहां से पॉइंट हटाया तो कितना आ गया, 100 आ गया। इतनी बात समझ में आई। इस जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना हो गया 3.14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10.2 अपॉन में 100। किसका है ये, वन कोन का। तो 50 कोन का निकालने के लिए बोला था ना मैंने, तो 50 कोन का देखो 3.14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10.2 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 50। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 10.2। तो देखो 3.14 को 10.2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3.14 को 102 से मल्टीप्लाई कर दूं, बाद में मैं क्या लगा दूंगा, 3 डिजिट के बाद क्या लगा दूंगा, मैं पॉइंट लगा दूंगा। तो देखो कितना आ जाएगा, 4 2 8, 2 1 2 और 4 0 0, 3 2 6 और 4 10 0 1 कैरी एंड 1 1 1 और 1 2 3 1 3, कितना आ गया 3228। कितना आ गया 3228। कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 1 2 3, तो इतना आ गया, कितना आ गया 32। इतना ही आ गया, कितना आ गया ये 50 कोन का क्या आ गया आपके पास, सी एस ए आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। फिर वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, वो क्वेश्चन में कह रहा था हमसे कि वन कितना था, चार्ज कितना दे रखा था आपके पास, ये आपको क्या बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज, 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है, 12 रुपीज है, और आपके पास कितना है 32.02 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना आएगा, तो 32.02 मल्टीप्लाई 12 2 24 12 2 24 2 12 3 36 36 और 2 38, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आ जाएगा, 384 रुपीज़ क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। देखो कुछ नहीं था, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे, किस किस का ये क्वेश्चन सही हुआ है, खुद ने ट्राई किया था ना। तो करना क्या था, सिंपल सी बात, वन कोन का आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको मल्टीप्लाई करना है 50 कोन से, और फिर 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज 12 रुपीज है, जितना मीटर स्क्वायर आया ये किस में आया है, मीटर स्क्वायर, उसको क्या कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो जाता हूं मैं, हो गया, कर लिया नोट, कर दे रफ। चल तो देखो एक्सरसाइज नंबर 13.3 आपकी यहां पर क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिल देन स्टे सेफ बी हैप्पी।